हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब लोग। आई एम आदित्य कछुआ सर और मुनि एजुकेशन के महाराष्ट्र बोर्ड चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो मुनि एजुकेशन के महाराष्ट्र बोर्ड चैनल पे हम सारा का सारा आपका महाराष्ट्र बोर्ड से रिलेटेड कवर करा के लेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग। हेलो बच्चो, नाउ वी आर स्टडिंग द 10th लेसन ऑफ आवर लिस्ट बुक प्रिटी एज अ पिक्चर, बाल भारती इंग्लिश बुक लेसन नंबर 10th, प्रिटी एज अ पिक्चर। पिक्चर में जितनी कोई चीज सुंदर दिखती है ना, इतना सुंदर क्या चाहिए, इतना सुंदर और क्यों चाहिए। हर एक चीज हमें अच्छी या सुंदर ही अच्छी लगती है, इसीलिए चाहिए। तो क्या चाहिए, तो इस लेसन में जो है वो क्लासरूम इस तरह बनाना चाहते हैं कि कोई पिक्चर में एकदम सुंदर जो क्लासरूम होता है ना, लाइन से बेंचेस, बच्चे एकदम क्लीन टाइडी और क्लासरूम का फ्लोर भी क्लीन, उस तरह का क्लासरूम चाहिए। तो ये क्लासरूम कौन से बच्चों का चाहिए और किसने इन्होंने ये सिखाया कि क्लासरूम ऐसे ही रखना है, वो इस लेसन में हम देखेंगे। राइट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल, आवर न्यू स्कूल टीचर मिस नीना टोल्ड अस दैट द लास्ट पीरियड ऑन एवरी फ्राइडे वुड बी स्टोरी टाइम। वी ऑल डिसाइडेड इमीडिएटली शी मस्ट बी द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। वी होप्ड शी न्यू इनफ स्टोरीज फॉर ऑल द फ्राइडेज ऑफ द ईयर। अभी नए क्लास में आए बच्चे, जैसे आप लोग भी आए हो छोटी क्लास से बड़ी क्लास में, इसी तरह से ये बच्चे भी आए हैं। उनकी अब क्लास टीचर भी न्यू है क्योंकि क्लास न्यू है। क्लास टीचर का नाम है मिस नीना। ये जो मिस नीना है, इन्होंने आते ही डिक्लेयर कर दिया कि हमारा जो हर फ्राइडे का लास्ट लेक्चर जो होता है, लास्ट पीरियड जो होता है, वो हम स्टोरी टाइम रखेंगे। मैं आपको हर बार एक नई स्टोरी सुनाऊंगी। बच्चे इतने ज्यादा खुश हो गए, हर एक बच्चा स्टोरी बोले कि खुश हो जाता है। ये भी बच्चे खुश हो गए, इनको लग रहा था कि हमारी जो मिस है, ये मिस नीना दुनिया की सबसे अच्छी टीचर है क्योंकि वो हर फ्राइडे को इनको स्टोरी सुनाने वाली थी। और बच्चे ये भी सोच रहे थे कि हमारे मिस के पास बहुत सारे स्टोरीज है जो साल भर चल सकते हैं। सो फ्राइडे कम एंड वी गॉट मोर एंड मोर एक्साइटेड टिल एट लास्ट द बेल वाज रिंग फॉर द लास्ट पीरियड। वी रिमाइंड हर राइट अवे अबाउट हर प्रॉमिस। और जैसे ही फ्राइडे आया, बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। पूरा क्लास खत्म होने तक, लास्ट पीरियड तक बच्चे एक्साइटेड थे। जैसे ही लास्ट पीरियड शुरू हो गया, बेल बज गई, बच्चों ने मिस नीना को उनका प्रॉमिस याद दिलाया। यस ऑफ कोर्स, शी सेड हैप्पीली, बट एज शी लुक्ड अराउंड द क्लास वी कुड सी हर फेस चेंजिंग। ओ डियर, आई वॉज गोइंग टू टेल यू सच अ लवली स्टोरी बट इट लुक्स एज इफ दैट विल हैव टू वेट। तो मिस को बच्चों ने याद दिलाई कि मिस आप स्टोरी सुनाने वाले थे। तो उन्होंने कहा हाँ ऑफ कोर्स मैं सुनाने वाली हूँ। जैसे वो सामने खड़ी रही, उन्होंने क्लास की तरफ पूरा नजर फेरी तो उनका चेहरा चेंज हो गया। वो पहले खुश थी, अब थोड़ी सैड दिख रही थी। और उसने कहा आगे, मिस ने, उन्होंने कहा आगे कि देखो बच्चों, मैं आपको स्टोरी सुनाने वाली थी, बहुत अच्छी स्टोरी, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि इसके लिए आपको थोड़ी देर के लिए राह देखना पड़ेगा। No, said everyone, that's not fair. ऐसे जैसे ही मिस ने बोला कि आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगे कि नहीं, ये बराबर नहीं है, आप अभी ठीक नहीं कर रहे हो। देखो ये है उनका क्लासरूम, ये बच्चे इधर उधर लिटर पड़ा है, किसी का सामान नीचे पड़ा है, शूज लेस खुले है, और ये देखो ये बच्ची का रिबिन छूट गया है, सब जगह गंदगी फैली है। अभी मिस ने क्या किया, Look at the classroom, Miss Nina said. How can we enjoy a story with all this rubbish all over the floor? Miss ने बच्चों को नोटिस करवाया, देखो आपके क्लासरूम की तरफ, अगर इतनी गंदगी में आप बैठे हो, देखो फ्लोर आपके क्लासरूम का, तो आप स्टोरी कैसे एंजॉय कर पाओगे, यानी आपको क्लीन रखना पड़ेगा या फिर क्लीन करना पड़ेगा। So everyone went scurrying around, picking up a paper and pencil stub and putting them in the waste paper basket. What a confusion there was. But Miss Nina was not satisfied. तो बच्चों को स्टोरी सुनना था, बच्चे जल्दी जल्दी उठे और वहां पेपर पड़े वाले है, पेंसिल शार्प करने के बाद जो शार्पन गिरता है वो उठा रहे है, डस्टबिन में डाल रहे है, पूरा एक जगह बच्चे एक दूसरे को टकरा रहे है, बहुत सारा कंफ्यूजन हो गया। लेकिन मिस नीना अभी भी सेटिस्फाइड नहीं थी। The desks and the benches are all crooked, she said. उसने बेंच की तरफ देखा और बच्चों को कहा आगे कि देखो आपके बेंचेस पूरे क्रुकड़े क्रुकड़े टेढ़े मेढ़े लाइन में नहीं लगे वाले हैं। So up popped everyone once again, straightened out the rows quickly and put them all in a perfect order. जल्दी जल्दी बच्चे उठे और उन्होंने एक दूसरे को थोड़ा हेल्प कर करके जो उनके डेस्क है प्रॉपर ऑर्डर में लगा दिए।
That's much better, she said. But look at yourself. Ribbons undone, shirts hanging out, shoelace open, belt askew. जैसे ये हो गया, मैम बोली ठीक है लेकिन अभी भी परफेक्ट नहीं है. देखो अपनी तरफ तुम कैसे हो, किसी की रिबिन छूटे वाला है, किसी का शूलेस छूटे वाला है, किसी का बेल्ट खुले वाला है, किसी का जो टक इन करे वाला शर्ट है वो नीचे लटक रहा है एक साइड से. एनीथिंग फॉर द स्टोरी वी थॉट एंड एज क्विक एज पॉसिबल वी टाइड अवर सेल्फ अप. वी केप्ट आस्किंग द किड्स अराउंड अस टू टेल अस इफ वी आर लुकिंग टाइडी इनफ. No mirrors in the classroom, you know, but this silly series split was all undone. Sonia had to do it all over again for her and tie the bow too. Story के लिए कुछ भी, बच्चों का यही सोच थी. फिर उन्होंने खुद को सुधारना स्टार्ट कर दिया और खुद को बना रहे तो मिरर नहीं है क्लास में, देख नहीं सकते हैं कि वो ठीक है या नहीं. तो आजू बाजू के बच्चों को पूछ रहे कि क्या मेरा ठीक है, क्या मेरे बाल ठीक है, क्या मेरा शर्ट ठीक है, शूलेस वगैरह बांध रहे हैं. और एक जो बच्ची है यहाँ पर जिसका नाम शिरीन है, इसका पूरा जो है रिबिन खुल चुका है. फिर उसके साइड की बच्ची ने उसे हेल्प करके पूरा रिबिन बांध के अच्छे से उसको बना के बो बना दिया. वन लास्ट थिंग, मिस नीना सेड, यू विल बी इन हरी व्हेन द स्टोरी इज ओवर, सो हाउ अबाउट पुटिंग अवे ऑल योर थिंग्स इनटू योर बैग्स राइट नाउ. ऑल द बुक्स, ऑल नोटबुक्स, डोंट फॉरगेट द कंपास बॉक्स, हैव यू पुट अवे योर पेंसिल, योर रबर, your ruler, the pack of color pencil, good. Now, tiffin and water bottle, there's a place for everything, so put everything in its right place. जैसे ही बच्चों ने क्लासरूम क्लीन कर लिया, बेंचेस लगा दिए, खुद को टाइडी कर दिया, अब मिस ने कहा कि आपके चीजों के बारे में क्या सोचते हो. देखो आप जब स्टोरी खत्म हो जाएगी, लास्ट पीरियड खत्म हो जाएगा, स्कूल ओवर हो जाएगा, आप बहुत जल्दी जल्दी चले जाओगे, तो फिर आपके अगर बैग पहले से ही पैक करके रखेंगे तो वो बेटर रहेगा. तो क्या करना है, चलो देखो क्या क्या देखना है आपको. आपको देखना है आपके बुक्स, नोटबुक्स, अपनी कंपास बॉक्स मत भूलो, पेंसिल रखी है क्या, रबर, तुम्हारे रूलर, कलर पेंसिल रख दी क्या. इतना ही नहीं तो वाटर बॉटल और टिफिन भी रख दो, उनके लिए भी एक प्रॉपर प्लेस अपने पास है. हर एक चीज जब प्रॉपर प्लेस पे जाएगी तो जैसे स्कूल ओवर हो जाएगी आप लोग उसे लेके जल्दी जा पाओगे. वेल वी वर ऑल डन एक्सेप्ट राहुल एंड अनवर, दे कुडंट फाइंड देयर डायरीज एंड शीला हु कुडंट फाइंड द कप ऑफ हर पेन, कैप ऑफ हर पेन. और जो है सब लोग तो तैयार हो गए लेकिन जो राहुल और अनवर है इनकी डायरीज नहीं मिल रही थी, ढूंढ रहे थे बेचारे. और ये जो हमारी क्लास में की शीला है उसका पेन का कैप घूम गया था, वो भी उसे फाइंड आउट करने में लगी थी. एंड बीना हु हैड लॉस्ट द कप फ्रॉम हर वाटर बॉटल, और बीना का तो वाटर बॉटल का कप ही गायब था, वो ढूंढ रही थी. एंड एवरीवन वाज मेकिंग सच अ नॉइज ट्राइंग टू हेल्प. आई थॉट वी वुड नेवर फिनिश एंड मिस नीना वुड बी टू एंग्री टू टेल अस अ स्टोरी. और हर एक ये चीज ढूंढने में लगे थे, क्लास में पूरा नॉइज ही नॉइज था. मुझे लग रहा था कि अभी मिस नीना इतनी एंग्री हो जाएगी कि वो हमें स्टोरी नहीं बताएंगे. बट एट लास्ट इट वॉज ऑल डन एंड मिस नीना फाइनली स्माइल्ड ब्रॉडली. नाउ दैट्स माई फेवरेट क्लास, ऑल स्पाइक एंड स्पाइन एंड एज क्लीन एज अ विस्टर. बट Is there time for a story? Oh yes, there is. Just a short little one. अभी पूरी क्लास क्लीन हो गई, बच्चे क्लीन हो गए, बैकपैक हो गए. अब मिस नीना के चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल दिखने लगी. वो बोलने लगी कि ये है मेरी फेवरेट क्लास. मेरी फेवरेट क्लास ऐसी ही होनी चाहिए, एकदम क्लीन. लेकिन उन्होंने फिर आगे कहा बच्चों से कि क्या हमारे लिए स्टोरी के लिए टाइम बचा है? हाँ, थोड़ा सा बचा है. Short or long, Miss Nina told us a really funny story about a king and his clown. Only it ended too soon and we were still laughing when the bell rang. So, we just thanked Miss Nina and left. बड़ी छोड़ दो, Miss Nina ने टाइम कम है तो छोटी स्टोरी सुना दी और वो बहुत अच्छी थी, किंग की और क्लोन की. फनी स्टोरी थी, अभी स्कूल बेल बजा था, स्कूल खत्म हो गई थी लेकिन हम सब लोग खुश थे और हंस रहे थे. अभी Miss Nina चली गई, हम लोगों ने उनको थैंक यू बोल दिया. अब नेक्स्ट फ्राइडे होता क्या है, देखो. By the way, Miss Nina's idea about picking the bag early was really good. My mother said she's never found my bag so neat before and I hadn't left anything behind in school either.
अभी आगे एक ये जो नरेटर है वो कहता है कि लेकिन ये जो आइडिया थी ना मिस नीना की कि पहले बैग पैक करके रखना है, ये बहुत अच्छी चली, क्योंकि मैं जैसे ही घर पहुंचा मेरे मम्मी ने कहा कि मेरी बैग इतनी नीट कभी नहीं थी, मैं कैसे भी बुक्स वगैरह डाल के लेके जाता था। तो मम्मी ने कहा कि आज ऐसा दिन है जब आपकी बैग बहुत अच्छे से घर पे वापस आई है, और इतना ही नहीं तो आप स्कूल में कुछ भूल के भी नहीं आए हो। Now on Monday when the bell began, our class monitor said he had a good idea and he wanted to listen. He said that we must practice straightening up the classroom and ourselves quickly, just within 5 minutes. That way we would have time for long stories on Friday. जैसे ही मंडे आया फिर से स्कूल भर गई, तो हमारा क्लास मॉनिटर जो था उसने कहा कि उसके पास एक आइडिया है, उसने सबको सुनाई, उसने कहा कि अगर हम प्रैक्टिस कर ले जल्दी जल्दी क्विकली स्ट्रेटन करने का क्लास, जमीन पे लिटर नहीं गिरने देना है, बैग पैक करना है, खुद का एकदम टाइड करना है, नीट और टाइडी करना है, तो हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे क्या होगा कि हम 5 मिनट में ये सब कर सकते हैं और मिस नीना जो है हमें लंबी वाली स्टोरी फ्राइडे को सुना सकती है। सो वी ड्रिव अप अ 5 मिनट ड्रिल, हियर इट इज। तो इन्होंने किस तरह से किया है, देखो ड्रिल, फर्स्ट मिनट, पहले मिनट में स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट किड इन एवरी लाइन, कलेक्ट एंड पास ऑन ऑल पेपर एंड रबिश टू द किड इन फ्रंट, दे गो एंड पुट इन द वेस्ट पेपर बास्केट। अभी ये बच्चे अपनी जगह नहीं छोड़ने वाले थे, इन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी, जैसे अपने आजू बाजू का कचरा है लास्ट वाला कीड़ उठाएगा, सामने वाले को पास करेगा, इस तरह से वो कचरा पास होते हुए फर्स्ट बेंच पे आ जाएगा और फर्स्ट बेंच पे जो कीड़ है वो कचरा पूरा वेस्ट पेपर बिन में डाल देगा। सेकेंड मिनट में कम आउट ऑफ योर प्लेस एंड स्ट्रेटन योर डेस्क, लुक एट द लाइन ऑन द फ्लोर टू हेल्प यू कीप इट जस्ट राइट, किड्स ऑन द इन टेल यू इफ योर डेस्क इज आउट ऑफ लाइन। दूसरे मिनट में ये लोग डेस्क लगाने वाले थे लाइन से, जमीन पे जो लाइंस बने वाले होते हैं फर्श के उसके हिसाब से ये डेस्क लगाएंगे, और लास्ट वाला बच्चा वहां से देखेगा कि आपके बेंच है प्रॉपर ऑर्डर में लगे वाले हैं, लाइन पे है या नहीं। अभी तीसरा मिनट, थर्ड मिनट, टाई शूलेस एंड रिबिन्स, टक इन ब्लाउज एंड शर्ट, स्ट्रेटन द ड्रेस एंड बेल्ट, फेस योर पार्टनर टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज ऑल राइट। तीसरे मिनट में ये क्या करेंगे, शूलेस बांधेंगे, बो टाई बांधेंगे, बेल्ट वगैरह ठीक करेंगे, टक इन करेंगे शर्ट, और एक दूसरे से पूछेंगे कि ये ठीक है या नहीं। नेक्स्ट आता है फोर्थ मिनट, पैक योर बैग्स, चेक योर ऑल बुक्स, नोटबुक्स, कंपास बॉक्स, कलर पेंसिल्स, टिफिन, वाटर बॉटल, हैव आई रिटन माय होमवर्क, हैव आई फॉरगॉटन एनीथिंग। और फोर्थ मिनट पे क्या करना है, बैग पैक करना है, बुक्स, नोटबुक, पेंसिल, कंपास बॉक्स, सब चीजें अपनी आज प्रॉपर प्लेस पे आई है, बैग में आई है या नहीं देखना है, होमवर्क लिख लिया है या नहीं वो भी चेक करना है, या फिर हम कुछ भूले तो नहीं ये भी एक बार फाइंड आउट कर लेना है। अब फिफ्थ मिनट में ये बच्चे क्या करेंगे, सिट डाउन क्वाइटली एंड ट्राई टू गेस द स्टोरी मिस नीना गोइंग टू टेल। और पांचवें मिनट में ये बच्चे एकदम शांति से बैठने वाले थे और मिस नीना आज क्या स्टोरी बताएगी ये गेस करने वाले थे। अब इनका ड्रिल शुरू हो जाएगा, हुआ है देखो, मीना द अदर मॉनिटर सजेस्टेड दैट वी डू दिस विदाउट सेइंग अ सिंगल वर्ड, ग्रेट आइडिया, दिस सेव्स ऑल ऑफ आवर कंफ्यूजन। मिस नीना वाज सो प्लीज्ड विद द 5 मिनट ड्रिल, शी सेड शी वुड आल्सो हेल्प, शी सेड शी वुड कीप लुकिंग एट हर वॉच एंड टेल अस आफ्टर एवरी मिनट टू हरी अप। हमारी जो सेकंड मॉनिटर है उसने कहा कि ये सब करते वक्त किसी के भी मुंह से एक भी वर्ड नहीं निकलेगा, यानी कोई किसी को पुकारेगा नहीं, कुछ बोलेगा नहीं, कुछ नहीं, एकदम साइलेंटली हो गए, जिससे क्या होगा कि कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ये बात मिस नीना को बहुत अच्छी लगी, उन्होंने प्रॉमिस कर दिया कि वो भी इस काम में बच्चों की हेल्प करेंगे ड्रिल के लिए, कि हर एक मिनट खत्म होने के बाद वो बच्चों को आइडिया देंगे कि आपका फर्स्ट मिनट खत्म हो गया, सेकेंड मिनट खत्म हो गया, इस तरह से। We practiced starting on Monday itself. It was crazy at first. There were kids giggling and making funny faces and we all felt awkward. But we had to do it for the sake of the story. तो पहले तो हमें बहुत हार्ड गया, मंडे को हमने स्टार्ट कर दिया, बच्चे चेहरे बना रहे थे, कुछ अलग अलग आवाज निकाल रहे थे, हंस रहे थे कोई, लेकिन हमें करना ही था और ये सब हमें सिर्फ और सिर्फ स्टोरी के लिए ही करना था। And do you know that Miss Nina said at the end of the 5 minute drill, she said our class looked as pretty as a picture. We got a full 25 minutes story this Friday. तो जैसे ही हमारा क्लास देख के मिस नीना क्या बोली पता है, मिस नीना ने कहा कि पिक्चर के जैसा एकदम बहुत ही सुंदर आपका क्लास है, और फिर हमें पूरे 25 मिनट्स मिले फ्राइडे की स्टोरी सुनने के लिए, एक बड़ी वाली स्टोरी मिस नीना ने हमें फिर बता दी। ये हो गया आपका लेसन नंबर 10। इसके नीचे जो थिंग्स टू डू है
ये थिंग्स टू डू हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।